अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डीवन से आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस स्ट्रक्चर 3.9 की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कि लीनियरेशन क्या होती है, या फिर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद हमारे पास हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उसने हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए, हम लोग सारे के सारे पार्ट्स को हल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए जी, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए उसने हमें पूछा क्या हुआ है, कहता है यूज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स की पावर के व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस के एक्स टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। कहता है कि आपने ये वाली नोटेशन यूज करनी है 1 प्लस एक्स की पावर के व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, यानी कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, स्टार्ट में 1 आना चाहिए, और उसके बाद ये जो ऊपर इसकी पावर में के है इसको आप लोगों ने क्या करना है, इस एक्स के साथ करना मल्टीप्लाई। ये बेसिकली के यहाँ पे पावर के अंदर, मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया, ये बेसिकली यहाँ पे पावर के अंदर है। कहता इस तरह की फॉर्म आपने बनानी है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन उसने दिया हो आपको 1 प्लस एक्स की पावर के, यानी कि कोई समथिंग कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है जी, इसको इस फॉर्म में लेके आना, यानी कि इस जो पावर को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना फंक्शन के साथ, ठीक, फंक्शन एक्स के साथ, ठीक हो गया जी। ये हम लोग करेंगे, पे क्वेश्चन करते हैं, आपको सारे सारे क्वेश्चन समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंटर में माइनस है लेकिन उसने यहाँ पे प्लस दिया हो, इसका मतलब हमें इसको पहले प्लस में भी कन्वर्ट करना है। स्टार्ट में 1 आना चाहिए, सेंटर में प्लस आना चाहिए, उसके बाद जो ऊपर पावर उसको एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये सारे सारे क्वेश्चन में हम ये प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी बात करते हैं, हमारे पास ये क्या बनेगा फिर, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको पहले जो है वो माइनस में बनाता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास किसके होगा 1, इसको मैं चलिए 1 प्लस, ये हमारे पास होल की पावर 6 है बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर दिया, 1 माइनस एक्स। हम लोग दोबारा से क्वेश्चन को जो है ना वो गौर से देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स होल की पावर 6 दिया हुआ है, तो 1 प्लस इसको माइनस एक्स को हम लोग एक साइड में ब्रैकेट में लिख लेते हैं, होल की पावर हमारे पास आ जाएगी, होल की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इस 6 को इसके साथ कर देना मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ये बनेगा जी आपके पास 6 को अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ 1 प्लस 6 इंटू माइनस एक्स, ये मेरे पास क्या बनने जा रहा है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 6 एक्स, ये मेरे पास बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। इसको तो मैंने पहले इस फॉर्म में लिखा लेकिन बाद में हमारे पास प्लस माइनस माइनस बन रहा है, तो ठीक है जी। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये था, इसको मैंने सॉल्व किया माइनस एक्स 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, बन गया हमारे पास 1 माइनस 6 एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। हम 14 के बी पार्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में कहता है एफ विच इज इक्वल टू 2/1 - x, उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं अगर 1 - x को ऊपर लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको अगर ऊपर लेके जाता हूँ ये बनेगा 1 - x की पावर -1, क्योंकि नीचे इसकी पावर में कुछ नहीं है तो उसकी पावर में 1 होता है, ऊपर आगे इसकी पावर में -1 हो जाएगा। अब ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास के है, ठीक है जी। अब इस के को मैंने इसी के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वैसे के वैसे हम पहले कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, पहले तो हम यहाँ पे बनाएंगे प्लस, उसको लिख सकते हैं 2 × 1 + इसको ब्रैकेट में लिख लें माइनस एक्स होल की पावर आपके पास आ रही है -1। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस -1 को इसके साथ कर देना मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 × 1 + तो ये मल्टीप्लाई होगा -1 - x के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, तो ये क्या बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्योंकि हमने इसको प्लस में बनाया तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा, ठीक है जी। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये इक्वल किसी के आ जाएगा जी आपके पास 2 × 1 + −−−−+1 + x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो ये बनेगा f of x which is equal to 2 + 2 x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 14 का बी पार्ट। सी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे f of x which is equal to 1/(1+√1+x) है, तो इसको 1+√x को ऊपर लेके जाता हूँ, तो ऊपर जाके हमारे पास क्या बनेगा, देखें जी f of x which is equal to, इसको ऊपर लेके जाता हूँ 1+x, नीचे स्केयर रूट की जगह पे 1/2 होता है तो ऊपर जाके ये बन जाएगा -1/2, इस तरह के मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें उसने दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्लस मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 1 भी मौजूद है, हमें इसको प्लस में बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे -1/2 एक्स के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 + −1/2 को
अंदर मल्टीप्लाई करवा दें एक्स के साथ, ठीक है जी। तो ये फिर क्या बनेगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन प्लस माइनस माइनस एक्स को वन से मल्टीप्लाई एक्स बाई टू। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं डी पार्ट में, कहता है f(x) विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x स्क्वायर। अब यहां पे भी हम लोग पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को यहां से खत्म करते हैं, तो उसकी पावर में हम लोग लिखेंगे 1 बाई टू f(x) विच इज इक्वल टू 2 प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर में आ जाएगा आपके पास 1 बाई टू। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसका मतलब कि 2 को हम लोग बाय देंगे कम, अगर 2 को बाय कम लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, f(x) विच इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को काम लेता हूं तो 2 के साथ 1 बाई टू, 2 की पावर 1 बाई टू भी बाहर आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2 प्लस एक्स के, तो दोनों की पावर में 1 बाई टू है, 1 बाई टू दोनों की पावर में है, तो 2 की पावर में भी 1 बाई टू, अगर 2 को बाहर काम लूंगा तो 2 की पावर 1 बाई टू सारा का सारा बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, 1 प्लस एक्स के इसके बटे में आएगा 2 और की पावर 1 बाई टू, इसके बटे में 2 इसलिए क्योंकि 2 के साथ हम लोग इसको बाहर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे अंदर जाके। तो ये चीज हमारे पास बेसिकली बनेगी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू। अब देखिए अगर आपको यहां समझ नहीं आई तो आप दोबारा से 2 की पावर 1 बाई 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर यही चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये काम हमने किया यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 की पावर 1 बाई 2 इंटू इसको करेंगे अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 प्लस 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 से, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं स्केयर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ये एक्स स्केयर बन जाएगा और बटे में 2 को 2 से जरूरत देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर यही हमारे पास आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 4। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है जी ई पार्ट की बात करें तो उसमें कहते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एक्स की पावर में 1 बाई 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो विच इज इक्वल टू 4 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे 4 की पावर 1 बाई 3 भी यहाँ पे आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा 1 प्लस 3 एक्स और यहाँ पे बटे में क्योंकि बाहर हमने 4 लिया तो बटे में भी 4 आएगा, पावर 1 बाई 3 तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमने पावर 1 बाई 3 लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, 1 बाई 3 को इसके साथ करवाना मल्टीप्लाई है, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 1 बाई 3 1 प्लस ये 1 बाई 3 को इसके साथ करना हम लोगों ने मल्टीप्लाई 1 बाई 3 इंटू 3 एक्स बाय 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनने जा रहा है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 4 की पावर 1 बाय 3, तो ये आएगा जी ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स ओवर 4, ठीक है जी। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास ई पार्ट। नेक्स्ट हम लोग इसके एफ पार्ट की और आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट एफ की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में जी एफ पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका क्यूब रूट खत्म करते हैं, क्यूब रूट खत्म करेंगे तो यहाँ पे आगे इसके पावर में सॉरी बटे में आ जाएगा, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, इसकी पावर में आपके पास 2 है, तो जब इसको स्क्वायर रूट खत्म क्यूब रूट खत्म करेंगे तो 2 ओवर 3 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये थी हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है, यहाँ पे माइनस है तो उसको प्लस की फॉर्म में पहले लिखेंगे, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स लिखेंगे और होल की पावर में जी आपके पास यहाँ पे 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस अब 2 ओवर 3 को उसके साथ हमने करना मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 इंटू माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, ब्रैकेट को करने क्लोज, अब इनको आपस में कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस बन जाएगा 1 माइनस ये बनेगा आपके पास 2 एक्स ओवर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6 प्लस 3 एक्स बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एफ पार्ट।
यही था मेरे पास आज का लेक्चर में। हमने क्वेश्चन नंबर 14 पे सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स बाय करना चाहते हैं, रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेक्चर के हवाले से। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें। नोट्स को भी अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।